न्यूज सच जरूरी है। यूपी में बीजेपी को जनवरी तक मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े आज भरेंगे नामांकन, विदर्भ क्षेत्र साधने की कोशिश। सरदार पटेल की जयंती से पहले क्यों हुआ रन फॉर यूनिटी का आयोजन, अमित शाह ने भारत रत्न को लेकर कही बड़ी बातें। अमेरिका के राष्ट्रपति बैलेंस ने व्हाइट और हाउस में दीपावली का किया त्यौहार। लोकसभा 14 विधानसभा के राजनीति के लिए 50 करोड़ बेचे, मंदिर में रहते थे लोग। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, जुशांत सिद्दीकी भी लपेटे में, जानिए क्यों होगा नोएडा कनेक्शन। यूके के राजा से भी अमीर है ये शख्स, इतने करोड़ है कि नेटवर्क इनकमिंग गिनने के लिए लोग आते हैं। कर्नाटक का दलित आरक्षण को बढ़ाने का फैसला, कोटा में कांटों के लिए आयोजन। डिंग में कर्जदार हुआ E10 कंपनी का कर्मचारी। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जुशांत सिद्दीकी को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। 380 के शेयर्स ने 50% प्रीमियम पर मारी एंट्री, फिर नामम फुल वसूली के चलते लोगों के शेयर मार्केटिंग बढ़ी। भारत दौरे में कौन विलंबन की छुट्टी, नहीं हुई फिर अब करेंगे इंग्लैंड की तैयारी। सेहत से बड़ा कोई धन नहीं, धनतेरस पर बोले अक्षय कुमार, फिटनेस को लेकर पीएम मोदी से बड़ी बातें। हिंदुओं से भी खरीदी दिवाली का सामान, भोपाल से बजरंग दल के पोस्टर पर बवाल। सीएम योगी ने कहा है कानून की उनकी गर्दन वैसे पकड़ी है जैसे दगजिया उड़ता है। जुशांत सिद्दीकी के पास 37 करोड़, अबू अजामी 209 करोड़ के मालिक। लिस्टिंग के साथ ही 570 पर पहुंचा पावर कंपनी का शेयर, धनतेरस पर निवेशक हुए मालामाल। दिवाली से पहले राम मंदिर, महाकाल और तिरुपति को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशितों की अंतिम सूची, बोकार से श्वेता तो धनबाद से अजय दुबे को मिला टिकट। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।